हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईएमपी कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर आपने आईटीआर रीचेकिंग का फॉर्म, आपकी जो मार्कशीट है उससे संबंधित अगर आपने रीचेकिंग का फॉर्म नहीं भरा है फ्रेंड, तो आप ये वीडियो जरूर देखें। फ्रेंड्स, इसमें हम बताने वाले फ्रेंड्स कि आपके जो ये पॉइंट दिख रहे फ्रेंड्स, इस पॉइंट में आपको क्या क्या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी गई है। आईटीआर मार्कशीट से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स, आईटीआर सर्टिफिकेट से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स, ये क्या इंफॉर्मेशन दिए गए हैं इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर से जरूर प्रेस करें फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर पहला पॉइंट दिया गया है, इन केस यू सेटिस्फाई विद द ट्रेनिंग प्रोफाइल, यानी आपको देखिए ट्रेनिंग प्रोफाइल से संबंधित पहला पॉइंट है। फ्रेंड्स, हम पहले बात कर लेते हैं कि आपको जो ये मार्कशीट दे रखी है, तो ये मार्कशीट तो आपने देख लिया होगा फ्रेंड्स, आप रिजल्ट आता है तो सिंपली आपको ये मार्कशीट आपने देख लिया होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है, इन केस आर यू सेटिस्फाई द ट्रेनिंग प्रोफाइल एंड रिजल्ट डिस्प्ले यू इंडिकेट द सम क्लिकिंग द एक्सेप्ट रिजल्ट बटन ऑन क्लिक द सिस्टम वुड प्रोमोट यू, यानी यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड। देखिए, प्रोमोट टू यू इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो यहाँ पर सब कुछ देखिए यहाँ पर बराबर अच्छे से देख लेना है फ्रेंड्स, एक बार आपको ये कन्फर्म करने से पहले। उसके बाद में फ्रेंड देखिए, ऑन कन्फर्मेशन योर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट वुड बी जनरेट एंड वुड बी अवेलेबल टू फॉर डाउनलोड आफ्टर 24 आवर ट्रेनिंग प्रोफाइल, यानी आपको जो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है उसमें कहा गया है कि आपको जो स्पेलिंग है और डेट ऑफ बर्थ है वह आपको अच्छे से देख लेना है, और उसी के बाद में आपको यहाँ पर अपना जो मार्कशीट है वह एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर कहा गया है कि आपको जो 24 घंटे के बाद में आपकी जो मार्कशीट है आईटीआर की और सर्टिफिकेट है वह आपको डाउनलोड यानी करने का यहाँ पर चांस, यानी आपको डाउनलोड करने का जो बॉक्स है, जो बटन है वह आपको दिया जाएगा, और वो कहाँ दिया जाएगा, तो वह आपको ट्रेनी प्रोफाइल में दिया जाएगा। अब ट्रेनी प्रोफाइल में आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, तो उसकी वीडियो फ्रेंड्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर बनी है। आप ट्रेनी प्रोफाइल से अपनी ट्रेनी मार्कशीट और अपनी सर्टिफिकेट किस तरीके से डाउनलोड करेंगे आईटीआई की, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर बनी हुई है, आप हमारे चैनल पर आकर वो वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स, और उसकी लिंक फ्रेंड्स हम डिस्क्रिप्शन में भी ऑलरेडी दे रखी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे दूसरा यहां पर दिया गया, इन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रेनी प्रोफाइल एंड रिजल्ट डिस्प्ले, जो आपको यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है और अपने ट्रेनिंग प्रोफाइल से भी आप सेटिस्फाई नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आगे कहा गया है, यू कैन रेस ग्रीवरेंस, क्लिक रेस ए ग्रीवरेंस, आप रेस ग्रीवरेंस कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है अपने मार्क्स से और अपने ट्रेनिंग प्रोफाइल से भी कुछ, यानी आपको लग रहा है कि कोई मार्क्स वगैरह और अगर आपकी फोटो वगैरह बराबर नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक बराबर नहीं है, तो आप यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है, तो आप यहाँ पर रेस ग्रीवरेंस कर सकते थे, बट आपको रेस ग्रीवरेंस करने की जो डेट थी फ्रेंड्स वह आपकी 20 जून थी। हमने ऑलरेडी आपको बताया था फ्रेंड्स, एक वीडियो में हमने बनाकर आपके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी फ्रेंड्स, आपको हमने बताया था अभी कि 20 जून 2021 आपको जो ग्रीवरेंस करने की डेट है, जो आईटीआई का जो रीचेकिंग करना पड़ता है वो आपकी जो डेट है फ्रेंड्स वो 20 जून लास्ट डेट है, हमने एक वीडियो में आपको बताया था फ्रेंड्स। तो ये 20 जून आपकी डेट तो निकल गई है फ्रेंड्स, बट आपको जो भी डाउट है वो और देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर कहा गया है, यू वुड बी नीड, यानी OTP वगैरह आपको यहाँ पर सब कुछ मांगा जाता है, और यहाँ पर जो लास्ट में जो यहाँ पर दिया गया है, अगर आपने 20 जून 2021 के पहले अगर आपने कुछ भी अगर ग्रीवरेंस किया हो तो आप ग्रीवरेंस कर सकते थे, बट अगर फ्रेंड्स आपने ग्रीवरेंस नहीं किया है तो आपकी जो भी डिटेल है वह आपकी ऑलरेडी सबमिट हो जाएंगी, तो आपकी जो डिटेल थी फ्रेंड्स वह ऑलरेडी सबमिट हो जाएंगी, और आपको यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अगर ग्रीवरेंस नहीं किया है तो आपको जो जो डिटेल है वह डिटेल ऑलरेडी आपकी सबमिट हो जाएंगी, NCVT जो MIS का पोर्टल है वो आपकी जो जो सर्टिफिकेट है ट्रेनिंग प्रोफाइल और मार्कशीट से रिलेटेड मार्क वगैरह वो सब कुछ आपकी ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएंगी, और आपको यहाँ पर यानी आपका जो रिजल्ट था वह आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया, वह ऐसा माना जाएगा। अगर आप यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं करते तो आपका जो 20 जून के पहले जो भी कुछ हुआ, तो 20 जून के पहले अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो उसके बाद में आपका जो रिजल्ट है वह ऑलरेडी मान्य हो जाएगा NCVT, यानी NCVT वो एक्सेप्ट ऑलरेडी कर लेगा। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये किस तरीके से आपको जो ये जानकारी है यहाँ पर ये किस तरीके से जानकारी वो आपकी दी गई है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके की और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरीके के और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।